शर्मा के बच्चे, चल तुझे ठाकुर ने बुलाया है। क्यों क्यों बुलाया तेरे ठाकुर ने? अबे बूंद भर की औकात और आवाज सागर से ऊंची। एक बात याद रखना ठाकुर, हम लोगों के मुंह से रोटी और सर से छत छीनने वाले जालिम इंसान, कम से कम पैरों के नीचे से जमीन मत छीन वरना बर्बाद हो जाएगा। अब मैं तुझसे तेरी जमीन और तेरा जीवन दोनों छीन लूंगा, समझा? साला पोजीशन की बातें करता है। कीड़े पड़ जाए उनके हाथों पर, भगवान करे कोड़ियों जैसी हालत हो जाए उनकी। अब चुप भी करो कमला, कोसे से काल तो आने जाएगा। काल जरूर आएगा, देखना गरीबों की बद्दुआएं एक दिन उस हवेली पर काल बनकर मंडराएंगी, जरूर मंडराएंगी। क्या हो गया? मैंने सब कुछ सुन लिया है। तेरे साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन जो तू करना चाहती है वो उससे भी बुरा है, इसलिए बदले की भावना दिल से निकाल दे। हर जगह से ठोकरी खा के मैं तेरे पास आई हूँ, और तू भी अपने उपदेश की वर्षा से मेरे बदले की आग ठंडी कर देना चाहती है। तू चाहती है कि मैं उसे माफ कर दूँ? हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि तू उसे माफ कर दे, क्योंकि बदला लेने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है। मेरी कोख में दहकते हुए अंगारों की कहानी अब तक तूने अपने कानों से सुनी है, अब अपनी आंखों से देख और फिर बोल क्या मैं उसे माफ कर दूं? ले देख ठाकुर का जुल्म। क्या मैं उसे माफ कर दूं? ठीक है, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। बारह बज गए, मुनीम का बच्चा अभी तक नहीं आया। ठाकुर बिल्कुल उसी तरह मरेगा जिस तरह चूहे को बिल्ली खिला खिला कर मारती है। ला तेरा हाथ। चू षडंग आका चाका दुश्मन का हो जाए धराधरा, चू षडंग आका चाका दुश्मन का हो जाए धराधरा, दुश्मन का हो जाए घबरा नहीं, घबरा नहीं, डर नहीं, कुछ नहीं होगा। चल चल, जवानी का सेका मैं भी ले लूं। जवानी की रेल चली जाए रे, बच्चे मनाए बूढ़े मनाए। जब जब ठकुराइन इस हवेली से जाती हैं, ये हवेली कोठा बन जाती है। मालिक। क्यों मुनीम, फिर खाली हाथ आयो? धनीराम खाली हाथ जाता है, खाली हाथ कभी नहीं आता मालिक। गुल्लर का फूल लाया हूँ, गब्बर जवानी, बूढ़ा भी देख ले तो नसों में जवान खून दौड़ने लगे। मुनीम जी। क्या
क्या तुम अपना बच्चा साथ लाइयो? बच्चा? मैं तो खुद ही अभी बच्ची हूँ। जब दो जिसमें एक होंगे तभी तो कोई तीसरा आएगा। ओफो, ये किसका बच्चा है? मुनीम, अबे ओ मुनीम, ओ मुनीम के बच्चे। मालिक, ये किसका बच्चा रो रहा है? वही मैं सोच रहा हूँ सरकार। जाओ जाके पता करो और जो कोई हो भगा उसे यहाँ से। जो हुकुम सरकार। जाओ। अरे ये कहाँ गई? अबे ओ मुनीम। आया मालिक। मालिक कहाँ है वो लड़की? लड़की? कौन सी लड़की? वही लड़की जिसे तू लाया था। मैं लाया था? मैंने तो किसी लड़की को नहीं लाया था मालिक। क्या भक्ति हो तुम? तू ही तो लेकर आया था उसको। मालिक मैं किसी लड़की को नहीं। अरे तू ही तो। क्या? तो फिर वो कौन थी? कौन थी वो लड़की? बिजली चली गई थी मालिक। मैंने सोचा शायद आपको रोशनी की जरूरत हो। जाकर देखता हूं बात क्या है। ही बच्चे के रोने की आवाज। लगता है कोई बच्चा लेकर के छुपा हुआ है। चलो देखते। चलिए। इस तरफ से आ रही है। चल 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 देखते हैं। चल चल। हाँ चलिए। खोल दरवाजा। ला खोल। चल। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो आवाज किसकी आ रही थी? लगता है दूर से कुत्ते की रोने की आवाज है। सरकार आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। अबे क्या बकता है? मैंने नहीं मारा। देखते हैं किसने मारा। ठीक है। अबे भाग मुनीम के बच्चे। अबे भाग जल्दी चल। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे सरकार को थप्पड़ से बचावे। अबे बस कर। ये क्या? लाइट गई। लाइट आई। जबड़ा तोड़ थप्पड़ हम लौट जा मजा। मुनीम जी देख ये सब क्या हो रहा है? रोने की आवाज, सरकार जबड़ा तोड़ थप्पड़, लड़की का आना, गायब हो जाना। यही बात मेरी समझ में नहीं आती कि एक अजनबी लड़की का इस तरह यहाँ आना और उसके बाद गायब हो जाना। मालिक मुझे तो लगता है किसी खून की प्यासी डायन ने
इस हवेली में मौत का तांडव नृत्य शुरू कर दिया है। क्या बकते हो? मैं कहता हूँ मालिक, वो शमशान घाट है ना, उसके पास वो जादूगर नहीं रहती है बुढ़िया, जिसे सारे गांव वाले रोटी पहुंचाते हैं। सरकार, उसको ले आता हूँ, वो इसका पूरा खात्मा कर देगी। आपको तो ले आओ। हाँ, तुम जाकर फौरन उसे ले आओ। अभी लाता हूँ। हाँ। मैं जल्दी आ रहा हूँ, आप डरिएगा नहीं। हाँ मुनीम। सरकार मालिक। हाँ। तुम मालिक, लालचंद ले जाओ। ठीक है, ले जाओ। सुनो, पिछवाड़े वाले कमरे का ताला खुला है, चाबी भी उसी में लगी है, तुम उसे बंद कर देना। ठीक है मालिक, चाबी तो यही पड़ी है। चाबी? फिर भी आप कहे तो। नहीं नहीं, तुम रहने दो, तुम जा सकते हो। माधेश्वरी, ठाकुर ने हवेली में बुलवाया है। चला जा यहाँ से पापी के प्यादे। मेरी माँ, कृपा कर, अजीब आवाज आ रही है। आएंगी, भाग जा यहाँ से, नहीं तो तू भी इस चक्रव्यूह में कफन का भागीदार होगा। भाग जा। मुझे बचा लो भगवान, मुझे बचा लो। आखिर ये कौन सी बला है जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है? क्यों 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 ये मेरी जान लेना चाहती है? क्यों? मालिक, मालिक आ गए। ठाकुर साहब, सरकार, गांव में वो बुढ़िया तो मिली नहीं, तो मैं पास के गांव से बाबा भोलानाथ को ले आया। प्रणाम बाबा। खुश रहो बच्चा। बाबा, बात यह है कि कल रात को। हाँ बच्चा, हमें सब पता है। हमें यह भी पता है कि कल रात तुम पर बला ने बहुत बड़ा कहर ढाया है। जैसे ही हमारे चरण इस हवेली में पड़े, वैसे ही हमें पता चल गया था कि यहां पर किसी खौफनाक बला का वास है। तो फिर इसका कोई उपाय कीजिए बाबा। बच्चा, हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं। चलो हमारे साथ आओ,
चलिए आओ। चल यही वो कमरा है बाबा। मुझे पता है, चलाओ। पधारी। जय काल भैरवी। पधारी बाबा। खोल जल्दी। ताला खोल। सुराख में। सुराख जल्दी खोल। सुराख में। तेरी जान का क्या हो गया? हाँ, अब देखता हूँ उसे। जय रक्षा वरी। तो तू मुझसे टकराने आया है? उस नराधम पापी को बचाने आया है? नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। जय चामुंडा। जय काली कलकत्ते वाली। बचने जाए खाली। ये क्या? बांध दिया इसे। जय चामुंडा। या अग्नि देवता, बांध दे उस काल का रास्ता। लो बच्चा, ये आत्मा कोई मामूली प्रेतात्मा नहीं, ये बहुत शक्तिशाली है। इसको काबू करना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैंने इसकी बंदिश कर दी है। अब ये इस कमरे से बाहर नहीं आएगी, और जब भी बाहर आने की कोशिश करेगी इस ताबीज में कैद हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस बंदिश रेखा को कोई पार न करे। जो भी पार करेगा वो इस चुड़ैल का शिकार हो जाएगा। लेकिन बाबा, इससे तो बेहतर है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे संजना बेटी, आजा।
क्यों मजा आया? बहुत मजा आया। शादी कैसी रही? तो बहुत मजा आता। अरे वाह, ये तांत्रिक यहाँ किस लिए आया था? अरे भाई हवेली है इसलिए लोगों का आना जाना तो होता ही रहता है। देखो तुम अभी सफर से आई हो, थोड़ा आराम कर लो, हाँ बाद में फुर्सत से बात करेंगे। जाओ। चलो बच्चों। कमरे में ले जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाने का इंतजाम करता हूँ। जाओ। वार खाली गया। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? घबराओ मत, चौकीदार डॉक्टर को लेने गया है, आता ही होगा। सब आगे सरकार। अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है। इसकी आंखें? जी ये अभी अभी ऐसी हो गई। इसका मर्ज मेरी समझ से बाहर है। क्या? इसे जितनी जल्दी हो सके शहर के अस्पताल ले जाइए। वो मुझे बुला रही है, वो मुझे बुला रही है, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। संजना! सॉरी, शी इज नो मोर। चलिए सरकार। ये सब क्या है? शहर जाने की तैयारी। शहर? मगर क्यों? ये हवेली मेरी फूल सी बच्ची को खा गई। अब यहाँ रहकर मैं अपने बेटे की बलि नहीं चढ़ाना चाहती। किसने खाया है हमारी बेटी को और कौन लेना चाहता है हमारे बेटे की बलि? इस हवेली में छुपी वो खून की प्यासी डायन। ये तुम्हें कैसा वहम हो गया है पार्वती? अगर ये मेरा वहम है तो कल वो बाबा क्यों आया था? रात को किसी बच्चे की रोने की आवाज क्यों आई? और वो पिछवाड़े वाले कमरे के बाहर रेखा किसने खींची जिस पर संजना पैर रखते ही मौत के रास्ते पर चल पड़ी? ओफो, पार्वती तुम समझने की कोशिश। झूठ के हाथ से सच के सूरज को छुपाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने एक बार कह दिया मैं इस हवेली में एक पल नहीं रहूंगी। यहाँ नहीं रहोगी तो हम जाएंगे कहाँ? अपने उस शहर वाले बंगले में
जहाँ आपके बड़े भाई अपने बेटों के साथ रहते हैं। ये जमीन, ये जायदाद, ये सारा कारोबार में किसके? ये सब मुनीम जी संभालेंगे। ये तुम क्या बोल रही हो पार्वती? नहीं, मुनीम के भरोसे मैं ये सब नहीं छोड़ सकता। अगर आप मुनीम पर भरोसा नहीं कर सकते तो अब अपने बेटे की मौत का इंतजार कीजिए। पार्वती, ठीक है, चलो। चल बेटा। ठाकुर ने गरीबों का खून चूस चूस कर बहुत दौलत इकट्ठी की है, आज मैं उसे लूट कर कंगाल बना दूंगा। चलो आओ। दिलावर जी, तुम ऊपर जाओ। शैतान, तुम उधर जाओ, सब तरफ देखो। सरदार, ऊपर तो कोई भी नहीं है, ना ही कुछ मिला है। लगता है आपके आने की खबर सुनकर ठाकुर कहीं भाग गया। दिलावर, खबर गलत नहीं हो सकती। ठाकुर ने अपना माल इसी हवेली में कहीं छुपा रखा है। देखा, ठाकुर हमारी डर की वजह से इसी हवेली में अपने बच्चों के साथ कहीं छुपा बैठा है। चलो। शैतान सिंह, आवाज इसी कमरे से आ रही है। हाँ सरदार। चलो। सरदार, यहां भी कोई नहीं है। दिलावर, रोने की आवाज तो इसी कमरे से आ रही थी। हाँ हाँ सरदार, इसी कमरे से आ रही थी। बोल, तेरा बाप कहाँ है? बोल निकलाए। अरे बचाओ, बचाओ, अरे मर गया दिलावर। ने मरने से पहले अपनी सारी शक्ति कमला को दे दी और अब कमला ठाकुर से अपना इंतकाम लेने के लिए उसका इंतजार कर रही है। बड़े मालिक, ये रहा आज का अखबार। अरे, दौलत के लिए दो भतीजों ने अपने चाचा चाची और उनके बेटे का खून कर दिया। ओफो, क्या जमाना है। सुरेंद्र। हाँ जी। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहा हूँ? मंदिर से आ रहा हूँ चाचा जी। झूठ बोलते हो, बहाने बनाने के लिए भगवान का सहारा लेते हो। क्या हुआ चाचा जी? ये पूछो क्या नहीं हुआ। तुमने इश्क किया और शादी कर ली और ये बरखुदार रोज रात को घर से गायब रहता है। पूछो इससे ये अपना मुंह कहाँ काला करता है। ओहो डैडी, इसे कहाँ जाना है? गया होगा किसी दोस्त की पार्टी में, क्यों? हाँ हाँ, काम धंधा तो ये लोग कुछ करते नहीं, मौत की दौलत है ना, इसलिए ऐश करते। बड़े भाई साहब तो भगवान को प्यारे हो गए और इन दोनों को मेरे सर पर छोड़ गए, लेकिन बहुत हो गया, बहुत हो चुका। आप अगर तुम लोगों ने काम धंधा नहीं किया ना, तो इतना याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ डैडी, ये दोनों काम धंधे के लिए दरबदर की ठोकरें खाए, क्या इससे अच्छा ये नहीं होगा कि गांव जाकर अपना ही कारोबार संभाले? हाँ चाचा जी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता।
कोई नहीं जाएगा उस मनुष्य हवेली में, क्योंकि वहाँ। ओ माँ, फिर वही भूत प्रेत की बातें। आज के साइंसी दौर में ऐसी बातें करने वाले को जाहिल कहते हैं। उस हवेली ने तेरी बहन को खा लिया, तेरे बाप की जान लेने की कोशिश की। वो इंसानों के रहने के काबिल नहीं और तू साइंसी दौर का रोना रो रहा है। नहीं बेटा नहीं, वहाँ नहीं जाना, क्योंकि ना, मैं नहीं मानता इन बातों को। जरूर मुनीम या किसी और दुश्मन ने षड्यंत्र रचाकर आप लोगों को डराया होगा और आप लोगों ने डरकर अपने पुरखों की हवेली छोड़ दी। अब महेंद्र और सुरेंद्र भैया वहां जाकर सब संभालेंगे, तब आप लोगों को यकीन आएगा कि सच क्या है। कुछ भी हो, मैं जायदाद, हवेली और कारोबार के लिए न तुझे न इन दोनों को दांव पर लगा सकती हूँ। ये जैसे भी है आखिर है तो हमारा ही खून। ठीक है, तो फिर भूल जाइए लाखों की उस जायदाद को जिसे वो मुनीम का बच्चा दीमक बन के चाटता जा रहा है, और खाने दीजिए मेरे भाइयों को पिताजी की गालियां, और डरते रहिए उस भूत से जिसने कभी आपने देखा है ना कभी मैंने। आज किशन ने हमें हमारे जाल में फंसा दिया होता, अगर चाची हाँ कर देती तो। हाँ हाँ, चाची कभी हाँ नहीं कहेगी, इसलिए कि भूत प्रेत का खौफ बरसों से उनके दिमाग पर है। फिर तो तुम लोग इस प्लान में कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। जरूर होंगे, हमें हर हालत में किशन को हवेली तक पहुंचाना होगा, वरना हम अपने कर्जे कैसे चुकाएंगे? हमारे कर्जदार तो हमें जेल की सलाखों के पीछे धकेल देंगे। हमारे दादा ने हमारे पिता को जायदाद से बेदखल करके हमें पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दिया है। आखिर कब तक हम अपनी जिंदगी भिखारियों की तरह जिएंगे? क्यों भाई, भिखारियों की तरह क्यों? इस घर पर मेरा जितना अधिकार है उतना ही अधिकार आप सबका भी है। किशन, तुम्हारा प्यार हमेशा हमारे पांव में बेड़ियां डालता है, अब हमें जाने दो भाई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिद मत करो किशन, हमारा यहां से जाना ही बेहतर होगा। गांव तो हम जा नहीं सकते, और चाचा जी की इज्जत के खातिर क्या हम छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकते? इसलिए हम ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। सुरेंद्र, तुम क्या चाहते हो? वो मुनीम का बच्चा सारी जायदाद खा जाए, सब कुछ होते हुए आप लोग दर भटके? नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं। अरे भाई, कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा ना। हाँ, एक हल तो है, लेकिन आप लोग मानेंगे नहीं। क्या? हम किसी को बिना बताए यहां से चले जाए? नहीं सुरेंद्र, नहीं। मैं माता पिता समान चाचा चाची को कैसे धोखा दे सकता हूँ? अगर उन्हें इस बात का पता चल गया तो उनके दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी। ओहो भैया, जो बीत रही है उसकी सोचो। मुनीम हमारे बाप दादा की कमाई दौलत को धीरे धीरे खाता जा रहा है, और अगर हम लोग खामोश रहे तो हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। हमें तो लगता है कि 20 साल पहले उसने जो चाल चली उसमें वो कामयाब हो गया। सुरेंद्र ठीक कहता है महेंद्र भैया, हो सकता है ये मुनीम की चाल हो। और वैसे भी हवेली का ये भूत हमें शक की परछाई के अलावा और कुछ भी नहीं लगता। हमें वहां जाना चाहिए, जब हम ये साबित कर देंगे कि हवेली में भूत नहीं है और ये सिर्फ मुनीम की चाल है, तो पिताजी खुश होंगे और फिर हमें गालियां नहीं आशीर्वाद मिलेगा। अगर तुम तैयार हो तो ठीक है, लेकिन वहां हमें अलग अलग जाना होगा ताकि चाचा चाची को शक ना हो। तुम किसी भी तरह गांव पहुंच जाओ, मैं संध्या को मायके पहुंचाने के बहाने पहुंच जाऊंगा। रहा सवाल सुरेंद्र का, वो तुम मेरी फिक्र मत करो भैया, जिस सुराख में चीटी नहीं घुस सकती उसमें मैं हाथी को सिर देता हूँ। ठीक है, देन इट्स अग्रीड, मैं जाके तैयारी करता हूँ। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट। हमारे किशन की तुम मुरली बच गई। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग किशन को क्यों पहले भेज रहे हैं? वो इसलिए डार्लिंग, अगर उस हवेली में सचमुच कोई भूत है तो हमारा काम वो भूत कर डालेगा, और अगर भूत नहीं है तो हम में से कोई एक भूत बनकर उसका काम तमाम कर देगा। और वैसे भी चाचा जी कहा करते हैं कि उन पर खतरनाक जो ने वार किया था।
जरा दिल की खबर लो, दिल का पैगाम है उनको पाजाम है, आपके नाम है तमन्ना पूरी कर लो, तजी रात में मुझे बाहों में भर लो, समा ये कह रहा है जरा दिल की खबर लो। कहाँ फिर ये जमाना, कहाँ फिर ये जवानी, नहीं होती हमेशा किसी की मेहरबानी, लड़क लड़ा लड़ा मत कल की बातें मोहब्बत आज कर लो, समा ये कह रहा है जरा दिल की खबर लो, नशीली रात में मुझे बाहों में भर लो, समा ये कह रहा है जरा दिल की खबर लो। नशीली रात में मुझे बाहों में भर लो, समा ये कह रहा है जरा दिल की खबर लो, दिल का पैगाम है होठों का जाम है, आपके नाम है तमन्ना पूरी कर लो, जरा दिल की खबर लो, तमन्ना पूरी कर लो। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे मुझसे डरोगी तो प्यार किससे करोगी? सिर्फ तुमसे। अच्छा, ऐसी कौन सी खास बात है मुझसे? तुम्हारा जोश, तुम्हारी मर्दानगी। बस, और... बस 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 बस। मगर इन बंद कमरों में प्यार करते करते मैं बोर हो गया हूँ, कहीं खुली जगह में चलकर प्यार करते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, वक्त आने पर सब समझ जाओगी। पर हाँ, कल सुबह तैयार रहना, हम शहर से बाहर जा रहे हैं। कब? वो मैं तुझे बताऊंगा, लेकिन पहले किशन जाएगा। कितना खिला दिया माँ तूने। किशन बेटे जी, पुनः पहुंचकर अपने सेहत का ख्याल रखना। हाँ माँ। बेटे जी, तुमने गांव जाने की जिद छोड़कर पुणे में जो फैक्ट्री डालने का फैसला किया, यह हमें बहुत पसंद आया। आप लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है पिताजी। शाबाश बेटे, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। अरे शेर सिंह जी। बड़े मालिक। किशन का ख्याल रखना। इनकी जान की खातिर अपनी जान दे देंगे मालिक। शेर सिंह पीछे सामान रख दो। रख दिया मालिक, बैठे थे। जीते रहो भैया, स्टेशन तक मैं चलाऊंगा। ओके मेरे भाई। अरे आप तो खुद ही समझदार हैं, पहले से ही साइड में बैठे हुए हैं, भाई हो तो ऐसा। अच्छा माँ, तू फिक्र मत कर। हाँ बाय।
रास्ते भर। हाँ टिकट। अरे टीटी बाबू खटमल से भरी रही तो हर गाड़ी। टाइम क्या रहा? सर्दी में नींद उड़ गई ना मालक। मालिक क्या हुआ? फंस गए मालिक। लगता है हम कोनो गलत गाड़ी पर बैठ गए। आप फिर ये ससुरी गाड़ी हम होके कोनो गलत स्टेशन पे ले आई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम सही स्टेशन पे उतरे हैं। नहीं मालिक, आप तो कहते रहा पूना में चूना का फैक्ट्री लगावाएगा जाते रहे, फिर एक चंदनगढ़ की गड़िया में कैसे टपक पड़े। चल बस अब तू अपनी जुबान बंद रख, मेरे साथ चल सब समझ जाएगा। चल उठा ले। चला। ए भगवान की फैक्ट्री। हाँ ये दिखता आदमी सही। सुनो भैया भरतपुर चलोगे? अरे भाई साहब भरतपुर। अरे 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 सुनो तो। ए लगता बहरा। हाँ चलो उससे पूछ। सुनो भरतपुर चलोगे? ए ये भी बहरा। अरे भाई साहब बोलते क्यों नहीं हो, भरतपुर चलोगे? भरतपुर चलोगे? हाँ अब जल्दी बैठ जा कहीं, ये भी सुनना बंद नहीं करते। कौन देश आंगा बिल्कुल भोपाल का लग रहा है। शेर सिंह सामान का ख्याल रखना। हाँ मालिक। हाँ चलो भैया। जय बजरंग बली। रक्षा करना। क्या हुआ? भूत भूत भूत। कहाँ है भूत? भूतानी 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 भूतानी। कमाल है, एक लड़की होके तांगा चलाती है वो भी इतनी रात गए, तुम्हें डर नहीं लगता? बाबूजी दुनिया में सबसे बड़ा डर इंसान की मजबूरी है, और मजबूरी एक ऐसी खौफनाक बला है जिसके आगे सारे डर मर जाते हैं। अच्छा बातें तो बड़ी अच्छी कर लेती हो। क्या नाम है तुम्हारा? राधा। और इनका नाम रहा किशन। राधा किशन का कहते हैं, का कहते हैं। अबे ओ घोचू मुंह बंद कर, नहीं तो मुंह में लगाम डालकर टांगे में जोड़ दूंगी। हाँ जाने भी तो राधा देवी, इसकी बकबक करने की आदत तो पैदाइशी है। अब की मुंह चलाया ना तो ऐसा हाथ मारूंगी कि दूसरे जन्म में गूंगा पैदा होगा। अरे बस बस अब गुस्सा थूक दो, जल्दी चलो देर हो रही है। अच्छा बाबूजी भरतपुर में कहाँ जाना है? मुझे अपने ही यहाँ जाना है। अपने ही यहाँ? हाँ ठाकुर शमशेर सिंह की हवेली। अरे क्या हुआ? कसम राम भक्त हनुमान की, आप अपने शहर का पता जरूर दे देना हमें, कम से कम हम धर्म का काम तो कर लेंगे। लाश तो आप दोनों की मिलेगी नहीं, पर आपके माँ बाप को ये तो पता चल जाएगा कि आप दोनों राम को प्यारे हो गए। का मतबल? उस हवेली में भूतनी रहती है। का कहती हो भूतनी? हाँ भलाई इसी में है कि आप दोनों वापस शहर चले जाओ। मालिक ये ठीक कहते है। चुप डरपोक कहेगा, अपने आप को हनुमान जी का भक्त कहता है और डरता है? चल बैठ जा। आप चलिए राधा देवी, हम किसी भूतनी से नहीं डरते। बाबू तुम्हारी हवेली आ गई। हाँ चलो भाई शेर सिंह उतार लो सामान, अपना मुकाम तो आ गया। तो ये है हमारी पुरखों की हवेली। हाँ मालिक तांगा तांगे वाली। अरे मालिक वो जरूर कोई भूतनी या चुड़ैल है, अब हम हवेली में जाएंगे
तो चबा चबा के हमको खा जाएगी। हे बजरंगबली, हम सबकी रक्षा करना। चलो सामान उठाओ, सामान उठाओ और अंदर चलो। अरे मालिक, अंदर जाएंगे तो फिर वापस लौट के नहीं आएंगे। हम सुना है कबूतरनी और चुड़ैल तो शुद्ध मांसाहारी होता है। अबे इसका फैसला तो अंदर जाके होगा ना। चलो उठा सामान। मांसाहारी होते हैं, तुझे ही खिलाऊंगा सबसे पहले शुद्ध शाकाहारी मांस। डर तो कहीं का। यहाँ भी कुछ गड़बड़ लगत है। तुम घबराओ मत, मैं देखता हूं। कौन हो तुम? नहीं पहचाना मालिक? नहीं। भूल गए छोटे सरकार, आप तो मेरे कंधों पर चढ़कर चांद छूने की जिद किया करते थे। वक्त की धूल यादों के आईने पर पड़कर उसे धुंधला कर ही देती है। मैं इस हवेली का चौकीदार हूं, चंदन सिंह। अच्छा, आपको यहां देखकर मैं हैरान भी हूं और परेशान भी। ऐसा क्यों? बड़े ठाकुर ने सब कुछ जानते पूछते भी आपको यहां आने दिया। ये हवेली तो मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो चंदन सिंह, लेकिन इस वक्त मुझे उपदेश की नहीं आराम की जरूरत है। नौकर के मुंह से निकली हुई बात चाहे लाख टके की हो, मालिक के लिए हमेशा धोखोड़ी की होती है। 20 साल बाद मेरा शिकार वापस आ गया। क्या ठाकुर की औलाद को खत्म कर दे। बचाओ, 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 ब
शेर सिंह की आवाज। शेर सिंह, शेर सिंह क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे? मालिक यह बुधनी है। कहाँ है बुधनी, कहाँ है? कमाल है, आपका कुछ याद नहीं? मुझे तो बस इतना याद है, मुझे तुम्हारे चिल्लाने की आवाज आई थी और मैं तुम्हें देखने आ गया। नहीं मालिक, नहीं, भूतनी आपके पास रही, अगर हम समय पर ना आते तो। मुझे लगता है तुम्हें सोते जागते भूत के ही सपने आते हैं शेर सिंह, या तुम्हारे दिल में भूत प्रेत की दहशत बैठ गई बस। अरे मालिक, आप हमारी बात का विश्वास नहीं करत, हनुमान सौगंध, हम सच कह रहे हैं मालिक। जौन वचन हम बड़े मालिक और मलकिन के दे आए हैं, उस वचन की खातिर ये हनुमान जी का ताबीज आप अपने गले में पहन लो मालिक, ये आपकी रक्षा करेगा। शेर सिंह, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं, इस ताबीज में तुम्हारे प्यार की खुशबू है, अगर मेरे पहनने से तुम्हें खुशी मिलती है और तुम्हारे वचन का पालन होता है तो मैं इसे जरूर पहनूंगा। लेकिन फिर तुम्हारा क्या होगा? हमारी रक्षा खातिर ये दूसरा ताबीज है ना मालिक। हाँ, गॉड ब्लेस यू। दोहरा के पट पर ले लिया रे पिजरे वाली। शेर सिंह होश में आओ। भूतनी, आप कहाँ है भूतनी? वाह भूतनी, जरा पलट के तो देख। मालिक इतना टांगा वाली हो? हाँ, हम हैं राधा टांगे वाली। इतनी खूबसूरत लड़की जिसे देखते ही फरिश्ते अपनी पलकें झपकाना भूल जाए, ऋषि मुनि अगर देखें तो अपनी तपस्या भंग कर दें, और तू इस धरती की परी को भूत नहीं कहता? चल जा मेरा पर्स लेके। अब भाई ये गई आए। रात को तुम बिना किराया लिए ही चली गई थी? आप ही का दिया खाते हैं मालिक, मैं भला आपसे किराया कैसे ले सकती हूँ? क्यों, ऐसी क्या बात है? मैं चौकीदार चंदन सिंह की बेटी हूँ। ओह, तो बोलो कुछ काम था? नहीं, मैं तो। अच्छा अच्छा, अब समझा, तुम ये देखने आई हो कि हम जिंदा हैं या राम को प्यारे हो गए। कैसी बातें करते हैं, मरे आपके दुश्मन, आपको तो मेरी भी उम्र लग जाए। अरे अरे बस बस, अब चुप भी रहो, कहीं किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्या कह दिया मैंने? अभी अभी जो दुआएं तुम मुझे दे रही थी, वो दुआएं लड़कियां या तो अपने पति को देती हैं या फिर अपने प्रेमी को, और तुम छोटे मालिक, मुनीम जी आपसे मिलने आए हैं। भेज दीजिए। वो भीतर नहीं आएंगे मालिक। क्यों? जब से बड़े ठाकुर गए हैं वो हवेली के अंदर कदम भी नहीं रखते, भूत का खौफ उनकी रग रग में समाया हुआ है। उनके भूत का खौफ तो मैं दूर करूंगा। कहाँ है वो? बाहर गेट पर। चलिए। क्षमा कीजिए मालिक, आपको मेरी वजह से हवेली के बाहर आना पड़ा। नमस्ते। नमस्ते। हुजूर आने से पहले इत्तला कर दी होती तो मैं खुद। उसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैंने चौकीदार से कहा था कि आप आए तो हिसाब किताब साथ लेके आए। गुस्ताखी माफ हुजूर, बरसा बरस के खाते हाथ में कैसे आएंगे? आप ऐसा कीजिए, मेरे घर चलिए, वहीं खाते देख लीजिए और वहीं रहिएगा, क्योंकि इस हवेली में भूतों का बसेरा है। बहुत हो गई है बकवास, तुम लोगों की इसी बीमार सोच का इलाज करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अब चलिए, कहाँ चलना है? चलिए चलिए, इधर चलिए चलिए। हाँ।
अरे अरे मेरा घर जल रहा है, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बन टूट गया। अरे कोई बचाओ रे, अरे कोई बचाओ, अरे अरे बड़ी ईमानदारी उनके अंदर जम रही है, उसके मालिक को अपनी ईमानदारी का अरे बापू ठाकुर चला गया है, अब ये नाटक बंद करो। तुम्हारे कहने के मुताबिक झोपड़ा जलाने से पहले मैंने सारे बही खाते बड़ी होशियारी से महफूज जगह पर रख दिए। बेटा सबका बेटा सब बोला ही होगा ना। अरे हाँ बापू। अरे राधा तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? इंतजार, पहले स्टेशन पर गाड़ी और मुसाफिरों का इंतजार करती थी, वो इंतजार तो खत्म हो गया, बाबा ने तांगा ही बेच दिया। अरे वो क्यों? पिछली रात जब मैं देर से घर पहुंची तो बाबा बहुत बेचैन थे, कहने लगे मेरी इज्जत मेरा धन सभी कुछ तुम ही हो बेटी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगा। हाँ उन्होंने ठीक ही कहा था, औरत घर की शोभा होती है, और फिर तुम जिस घर में जाओगी वो तो स्वर्ग हो जाएगा। तुम तो मेरी यूं ही तारीफ कर रहे हो। हाँ। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताने आई थी कि मुनीम और उसका बेटा लाखन अच्छे लोग नहीं है, जरा होशियार रहना। होशियार तो अब उन्हें रहना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुनीम ने अपनी जान बचाने के लिए अपना घर दांव पे लगा दिया? हाँ, इसके सिवा उसके पास बचने का और कोई चारा भी तो नहीं था। बचेगा तो अब भी नहीं, हमारे आ जाने से उसकी बेईमानी के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। हाँ ये बात तो सही है। किशन पहले ये बता, कल की रात तुम्हारी हवेली में कैसी रही? भूत जी के दर्शन हुए कि नहीं? अरे मालिक इनसे का पूछो तो हम उसे पूछो, ये हवेली में भूत नहीं चुड़ैल बा चुड़ैल, वो रात को आके हमारे मालिक को बहुत सताते, वो तो हमरा तो छोटा मालिक बच गया नहीं तो। शेर सिंह वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, तुम बहुत थक गए हो गए, जाओ और जाकर आराम करो। जयराम जी की। अच्छा भाई मुझे भी बहुत नींद आ रही है, यू पीपल गो एंड एंजॉय योरसेल्फ, मैं अपने कमरे में चलता हूँ। ओके बाय, टेक केयर, बाय। ये तो बच गया, हमने तो सोचा था कि भूत ने इसका काम तमाम कर दिया होगा। अगर भूत ने इसका काम तमाम नहीं किया तो इसका काम हम तमाम कर देंगे। जा। बेवकूफ, मैं देखना चाहता था कि तू भूत से डरती है नहीं। ओह यू, ओह यस, इट्स मी। अरे पगली, असली शो तो अब शुरू होगा। वाह ब्यूटीफुल। याद है ना कि तुम्हें क्या करना है?
हाँ मुझे पता है, किशन के कमरे में जाना है, फिर इन्हीं खूनी दस्तानों से उसे मारना है। बहुत खूब, अब जल्दी जाओ, देर मत करो। ये लो दस्ताने। तुम क्या हुआ, बोलो तुम यहाँ पर? मैंने बाहर भूत देखा है। ओफो, शक का भी कोई इलाज नहीं। शक नहीं, मैंने अपनी आंखों से सच में देखा है। चलो मैं चल के देखता हूँ, आओ। कहाँ है भूत? लगता है अपने चेहरा शीशे में देख के डर गई हो। घबराओ नहीं डार्लिंग, बस आज की रात उसका काम तमाम कर दो, फिर उसके बाद उसकी सारी जायदाद के मालिक हम होंगे। जाओ। अच्छा ठीक है। हाँ, घबराओ नहीं। अच्छा ड्रामा कर रही है। ये क्या? किशन की जगह सनिया बाबा की चीख। मैं देखता हूँ। महेंद्र, महेंद्र भाभी कहाँ है? ये जिंदा है, संध्या कहाँ है? महेंद्र भाभी कहाँ है? संध्या तो कमरे में नहीं है। नहीं है? ये दस्ताने मेरे पास कैसे? सुरेंद्र, संध्या भाभी अपने कमरे में नहीं है। हमने चीख की आवाज सुनी है। मैंने भी चीख की आवाज सुनी, इसलिए मैं भी ढूंढने चला आया। संध्या भाभी, चलो ढूंढते उसे। हाँ चलो। सॉरी भाभी, मिली क्या? नहीं तो नहीं, नहीं मिली। चलो उस तरफ ढूंढते हैं। ठीक है, तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाती हूँ। हाँ।
महेंद्र भाभी कहाँ है? ये जिंदा है, संध्या कहाँ है? महेंद्र भाभी कहाँ है? संध्या तो कमरे में नहीं है। नहीं है? ये दस्ताने मेरे पास कैसे? सुरेंद्र, संध्या भाभी अपने कमरे में नहीं है। हमने चीख की आवाज सुनी है। मैंने भी चीख की आवाज सुनी, इसलिए मैं भी ढूंढने चला आया। संध्या भाभी, चलो ढूंढते उसे। हाँ चलो। सॉरी भाभी, मिली क्या? नहीं तो नहीं, नहीं मिली। चलो उस तरफ ढूंढते हैं। ठीक है, तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाती हूँ। तुम यहाँ पर? हाँ? सारी हवेली में तुम्हें छान मारा, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों? क्या बात है? पुलिस इंस्पेक्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन क्यों? संध्या के बारे में बयान लेना चाहते हैं। बयान? लेकिन हाँ, सोच समझ कर बयान देना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ही फंदा हमारे ही गले में आ जाए। खून तो उन्हीं दस्तानों से हुआ है, मगर पुलिस को वो दस्ताने नहीं मिले। खूनी भी वही है जिसके पास वो दस्ताने हैं। खैर, इन बातों को छोड़ो। हाँ। जाकर पहले पुलिस को बयान दे दो, बाकी बातें बाद में देख ले। हाँ ठीक है, चलिए चलो। चलो जुली, जुली, जुली। क्या हुआ? लगता है तुमने कोई भयानक सपना देखा। बहुत भयानक सपना। संध्या मेरा गला दबा रही थी, उसकी रूह इसी हवेली में भटक रही है। वो हम सबको मार डालेगी, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। सॉरी मिस जूली, आप में से कोई यहाँ से नहीं जा सकता। मगर क्यों इंस्पेक्टर? इसलिए कि संध्या मर्डर केस की इंक्वायरी अभी पूरी नहीं हुई। तुम घबराओ मत जूली, लो पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा। Thank you.
क्या कर रहे हैं आप? कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या किया है? कातिल पूछता है कि मैंने क्या किया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महेंद्र, रुक जा। मैं कहता हूँ रुक जा। हट जा जल्दी। रुक जा। हट जा। अपने एक हाथ से दूसरा हाथ मत काटो। जिंदा रहने के लिए सड़े हुए हाथ को काट कर फेंकना बहुत जरूरी है। मगर हुआ क्या है? ये किशन की दौलत को अकेले हड़पना चाहता है और मौका पड़ते ही ये तुम्हें और मुझे दोनों को मार डालेगा। क्या बकते हो? जो सच है, संध्या का कातिल भी तू है। ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो ये क्या है? है कोई जवाब तेरे पास? वाह महेंद्र भैया वाह, शक की आग ने आपकी अकल को अंधा कर दिया है। अगर मैं इन्हें नहीं छिपाता तो हम सब लोग जेल में चक्की पिस रहे होते। हाँ, वो तो शुक्र करो कि सबसे पहले आकर किशन की नजरों से बचाकर मैंने इन्हें छिपा दिया था। वरना अगर किशन भैया पूछते कि संध्या इन खूनी दस्तानों को पहनकर यहाँ क्या करने आई थी तो क्या जवाब देते आप? क्या जवाब देते आप? मगर तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। लेकिन भैया वक्त कब मिला? फिर भी हमें होशियार रहना चाहिए। ठीक है, आज की रात वो काम इन पंजों से पूरा करूंगा जो संध्या अधूरा छोड़ गई थी। अच्छा हुआ जुली तुम सही वक्त पे आ गई, नहीं तो महेंद्र भाई मेरी जान लेते आज। किसकी मौत किसके हाथों लिखी है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शूषणाक आका जाका दुश्मन का हो जाए धड़ाका। बोर भाई नंदलाला, दूध का रंग गोरा, चाय का रंग काला, उठो मेरे नंदलाला, ये मुंह से लगा लो प्याला, जबान को डाल दे ताला। मैं देख रहा हूँ तेरी एक गाने की आदत बढ़ती चली जा रही है, तू शहर चल, तुझे किसी भजन मंडली में भर्ती करवा दूंगा। ऐसा नहीं साहेब, जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ हम आएंगे। अच्छा हाँ। भोर भाई नंदलाला, भोर भाई नंदलाली, सूरज ने फैलाई उजाली। चा पिया चा, इका कहते गर्मा गर्म चा। शेर सिंह, आज मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है। अरे मेम साहब, कहाँ नाचत हो आप, कहाँ नाचत हो भाई? जरा प्लीज मसाज कर दो ना। मसाज वो का होता है? अरे वो ही बदन दबाना। अब आते हैं हम, दूसरा का चाय दे के आते हैं। अब आते हैं मेम साहब, अब आते। अरे सुनो तो, अरे सुनो तो सही, बुद्धू कहीं का। भोर भाई नंदलाला, तेरे पिया का आया। शेर सिंह क्या हुआ? क्या हुआ शेर सिंह? क्या हुआ शेर सिंह? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि महेंद्र का खून इन्हीं दस्तानों से हुआ है और संध्या का भी खून इन्हीं दस्तानों से हुआ था। हवेली में जरूर कोई आया था। शायद आप लोग नहीं जानते कि महेंद्र की मौत किसी लड़की के साथ संभोग करते समय हुई थी। उसके कमरे में वो लड़की कौन थी जिसके जिस्म के साथ वो खेल रहा था? ये क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर, हवेली में जुली के सिवा और कोई लड़की नहीं थी तो क्या? तुम गलत सोच रहे हो, लड़की बाहर से भी लाई जा सकती है या भेजी जा सकती है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये खूनी पंजे हवेली में आए कैसे। पंजे लाने वालों की ही तो तलाश है हमें। मगर इंस्पेक्टर साहब, वो कातिल कौन? इंसान नहीं, चुड़ैल है। बकवास बंद करो, मैंने कभी कोई चुड़ैल या भूत नहीं देखा और न ही इन बातों पर विश्वास करता हूँ। और अगर आइंदा तुमने ऐसी बात की तो सलाखों के पीछे डाल दूंगा, समझे? समझ गए साहब, समझ गए। आप तब तक नहीं मानेंगे जब तक वो चुड़ैल आपका गला नहीं दबा देती। हाँ, अच्छा तुम चलो शेर सिंह, चलो चलो जुली। आज से 20 साल पहले हवेली के स्टोर रूम से डाकू जरनैल सिंह और उनके साथियों की लाशें मिली थी।
उन पर भी इन्हीं खूनी पंजों के निशान थे, लेकिन कातिल का आज तक पता नहीं चला। और अब ये ठाकुर महेंद्र सिंह भी गया बापू। कल तक सभी का सर्वनाश हो जाएगा, एक भी नहीं बचेगा। राम नाम सत्य है। और अगर एक आध बच गया बापू तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ? अरे दीवाने, तू अपने हाथ क्यों खराब करेगा? इस हवेली की जो खून की प्यासी डायन है, उसकी प्यास तब तक नहीं बुझेगी जब तक ठाकुर के सारे खानदान का खून नहीं पी जाए। चुले? नहीं सुरेंद्र, अब मैं यहाँ एक पल भी रुक नहीं सकती। शहर वापस जाकर करोगी क्या अपने जिस्म की नुमाइश? फिर से शो बिजनेस की दुनिया में तुम्हें न चाहते हुए भी अपने आप को हर रात किसी अजनबी के हाथों सौंपना ही पड़ेगा। कुछ भी हो, कम से कम मैं जिंदा तो रहूंगी। हाँ, जिंदा तो रहोगी, जरूर रहोगी, मगर उस किराए की साइकिल की तरह जिसे वक्त से पहले बेकार बनाकर किसी कूड़े करकट में फेंक दिया जाता है। और उसी तरह तुम्हारे जिस्म को बीमारियों का गोदान बनाकर तुम्हें सड़ जाने के लिए किसी गंदी नाली में फेंक दिया जाएगा। नहीं सुरेंद्र, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा जुली, ऐसा ही होगा जुली। मगर सिर्फ एक रात के लिए रुक जाओ, सिर्फ एक रात के लिए, तो कल सुबह हमारे हाथों में एक नई रेखा पैदा होगी, दौलत की रेखा। हाँ जुली, दौलत की रेखा। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताता हूं। चलो चलो। ये देख, इस कुल्हाड़ी के वार से भैंसे की गर्दन के दो टुकड़े हो जाते हैं। तो बेचारे किशन की गर्दन तो बहुत नाजुक है। कुछ समझ में नहीं आता राधा, मैं क्या करूं? पहले संध्या भाभी का खून हुआ और फिर महेंद्र भैया का। इस हवेली में ये खून की होली कौन खेल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। पता चलेगा कैसे? मैं तुम्हारे दुख को समझती हूँ किशन, मुझे तो तुम्हारा इस हवेली में रहना खतरे से खाली नहीं लगता। दिल तो नहीं चाहता, मगर दिल पर पत्थर रहकर कह रही हूं तुम यहां से चले जाओ किशन। मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त कर सकती हूं, पर तुम्हारी मौत नहीं। मैंने एक गलती जरूर की है राधा, अपने मां बाप को बिना बताए मैं यहां पर चलाया। अब तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा जब तक मुझे असलियत का पता नहीं चलेगा। बस बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए राधा। किशन, मेरा जिस्म, मेरी जान, सब तुम्हारे लिए किशन। बाबा, मेरा कसूर क्या है? बाबा के विश्वास को कफन पहनाकर पूछती है मेरा कसूर क्या है? इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था तुझे, मेरी इज्जत को इन अमीरों की हवस के लिए नीलाम करते ही। नहीं जानता था जिस हवेली की चौकीदारी कर रहा हूं वही मेरे घर का दुश्मन है। आपको गलतफहमी हुई है बाबा। जिस्म से बूढ़ा जरूर हो गया हूं मगर आंखें अभी सलामत है। आपकी आंखों ने हवस की गंदगी देखी, प्यार की रोशनी नहीं। हमारा प्यार अंजुई कलियों की खुशबू की तरह पवित्र है बाबा। नहीं छोटे ठाकुर, जिस तरह कोई कांटा किसी फूल को जन्म नहीं दे सकता, इस हवेली का कोई वारिस किसी को प्यार नहीं दे सकता। आपके पिता ने भी बरसों तक यही किया, लाचार गरीबों को बेघर कर दिया, उनकी हजारों की जमीन, उनके खेत, कौड़ियों की मोल हड़प कर लिए, उनकी इज्जत पर टाका डाला। आज से 20 बरस पहले का वो खौफनाक दिन मुझे कभी नहीं भूल सकता छोटे ठाकुर, मुझे कभी नहीं भूल सकता। नहीं, छोड़ दो मुझे। कमीने, ठाकुर
ठाकुर साहब तो चले गए पर मुनीम और उसका बेटा आज भी उन्हीं के नक्श कदम पर चल रहे हैं। विश्वास न हो तो जाकर देख लो, आज भी गरीबों के सर पर तलवार लटक रही है। भाई बाप, मैं पहले भी कह चुका हूँ मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं ब्याज नहीं दे सकता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। भाई बाप मैं ब्याज नहीं दे सकता, भाई बाप मैं ब्याज नहीं दे सकता। हराम ज्यादा ऐसे नहीं मानेगा, शमा छोड़ दे रस्से। अरे नहीं मेरे बाप, अरे मैं मर जाऊंगा, अरे मैं मर जाऊंगा गरीब। आप अपने जूते के नीचे हमारी इज्जत की चटनी बना रहे हैं। अरे बेटा उठ जा, हमारे बेटे को तो आपने शिकवा बना दिया, खुजल खुजल के शेक दिया, ये आप क्या कर रहे हैं? ये मेरे पिता के पाप और तेरे जुल्म की जड़ों को खोखला कर रहा हूँ कमीने। तुम्हारा घर तो चल गया था ना, और उसके साथ साथ ये सारा हिसाब किताब भी। फिर ये खाते कहाँ से आए, कहाँ से आए ये खाते? मुनीम गांव वालों, आज से आप सब आजाद, आपकी जमीन है, आपके घर अब सब आपके हैं। चाहिए चला दीजिए इन खातों। छोटे मालिक जिंदाबाद, छोटे मालिक जिंदाबाद, छोटे मालिक जिंदाबाद, छोटे मालिक जिंदाबाद। जवानी का खून गुलाटिए मार रहा है बेटा। चिंता मत करो बापू, ये सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। मामा, आज तो गांव में चमत्कार हो गया, ठाकुर साहब के बेटे ने सब गांव वाले के कर्जे माफ कर दिए और उनकी जमीनें भी वापस कर दी। माँ, बाप तो राक्षस था मगर बेटा देवता बनकर आया है। कहाँ जा रहे हैं बाबा? बेटी, मैं बड़े ठाकुर को बुलाने जा रहा हूँ। वो क्यों बाबा? तू जानती है छोटे मालिक की जान को इस हवेली में खतरा तो था ही, अब मुनीम से झगड़ा करके उन्होंने अपने लिए नया खतरा मोल ले लिया है, और उस मुनीम का बेटा है लाखन। तुम ठीक कहते हो बाबा, कहीं ऐसा ना हो कि भूत की आड़ में लाखन अपना काम कर जाए और लोग ये समझे कि छोटे ठाकुर को किसी भूत प्रेत ने मार डाला है ना बाबा। मौत की साख मिचौली में कुछ भी हो सकता है, मुझे फौरन बड़े ठाकुर को बुलाने जाना होगा, पर एक बात का ध्यान रखना बेटी। बोलो बाबा। मेरे वापस आने तक तुझे हर हालत में छोटे मालिक की रक्षा करनी होगी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो छोटे ठाकुर से पहले मेरी जान जाएगी। अरे राधा, तुम तुम्हें सख नहीं आना चाहिए था। मुझे बाबा ने कहा था आपकी रक्षा करने के लिए। भला एक कमजोर लड़की मेरी रक्षा कैसे करेगी? ऐसा कहकर तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मगर मैं तुम्हें अपने आप से कमजोर साबित कर सकती हूँ। अच्छा, भला वो कैसे? तुम मर्द लोग सारी दुनिया से लड़ सकते हो मगर अपने जज्बात के सामने कमजोर पड़ जाते हो। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। वो कैसे? हम दोनों इस बिस्तर पर एक साथ रात भर आराम करेंगे। अगर तुमने फिर भी मुझे नहीं छुआ तो मैं ये समझूंगी कि तुम वाकई बहादुर मर्द हो। मंजूर? मंजूर। चलो। Thank you.
चुनी, ये क्या हुआ? क्या हुआ ये? चंदन, भाग जाओ। इस हवेली में नहीं, इस हवेली में चुनी, भाग। चुनी बापरे, जो 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 जूली, क्या हो गया? बापरे, ये पीछे कौन खींच रहा है मुझे? कौन खींच रहा है? कौन खींच रहा है? कहाँ जा रहा हूँ मैं? वहीं पे आ गया? कैसे आ गया? अब नहीं मार पाएगा। बच गया। जूली की जान भी खतरे में। Thank you.
शहर गए थे, वही बड़े माले को लेकर आए होंगे। कहाँ जा रहे हो? पिताजी को उस बला से बचाने के लिए। नहीं, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। हट जाओ राधा, मेरे जीते जी वो बला पिताजी की जान नहीं ले सकती। और मेरे जीते जी तुम उस मौत के मुंह में नहीं जा सकते। तुम्हें तुम्हारे प्यार के स्वार्थ ने अंधा कर दिया। प्यार नहीं है, कर्तव्य है। मैंने बाबा को वचन दिया था तुम्हारी रक्षा करने के लिए, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। तुम्हारा वचन मेरे पिता की जिंदगी से बढ़कर नहीं है राधा, हट जाओ। किशन बचाओ। कमला, हम सब तेरे हाथ जोड़ते हैं, भगवान के लिए बंद करते ये खतरनाक खेल, कहीं ऐसा ना हो गुनाहगारों के साथ बेकसूर भी मारे जाए। उस वक्त तुम कहां थे जब मेरे बेगुनाह पति और मासूम बच्ची को जलाकर राख कर दिया गया था? पिताजी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मैंने
मैंने ठाकुर से अपने पति की मौत का बदला ले लिया। मैंने ठाकुर को हवेली की दीवार में चिन्हवा दिया है। अब मेरे बदले की आग से उसके घर का आखिरी चिराग भी नहीं बच पाएगा। कमला, क्यों मासूम बेकसूरों की जान से खेल रही हो? जो तुम्हारा गुनहगार था उसको तुमने सजा दे दी, लेकिन मेरी बच्ची को सजा क्यों दे रही हो? देखो कमला, अगर तुम्हारी बेटी आज जिंदा होती तो मेरी बच्ची के बराबर होती। क्या मेरी बच्ची में तुम्हें अपनी बेटी नजर नहीं आती? अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया, भगवान भी माफ नहीं करेगा तुम्हें, तुम्हारी अपनी बच्ची भी माफ नहीं करेगी। तड़प तड़प कर मरोगे तुम, याद रखना, भगवान के लिए ये खतरनाक खेल बंद कर दो कमला, बंद कर दो ये खतरनाक खेल। जाओ तुम लोग, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ।